प्रेत और चुड़ैलों पर यूं तो बॉलीवुड में कई सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो आज भी खौफ पैदा करती हैं। उन्हें आप अकेले नहीं देख पाते, और हाँ, इनमें कई सारी फिल्में असली घटनाओं पर आधारित हैं। इन्हीं में कुछ फिल्मों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली सस्पेंस हॉरर फिल्म, महल। कहते हैं कि 1949 में आई फिल्म महल सस्पेंस हॉरर कैटेगरी की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में अशोक कुमार और मधुबाला थी। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला काफी मशहूर रहा था। 20 साल बाद 1962 में आई विश्वजीत और वहीदा रहमान की 20 साल बाद काफी हिट रही थी। फिल्म का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल ने फिल्म को और भी डरावना बना दिया था। कोहरा। 1964 में आई फिल्म कोहरा को बेहतरीन हॉरर सस्पेंस फिल्म माना जाता है। ये फिल्म डैफ्ने डू मॉरियर के उपन्यास रेबेका से प्रभावित थी। इस फिल्म में भी विश्वजीत और वहीदा रहमान की ही जोड़ी थी। दो गज जमीन के नीचे। 1972 में आई रामसे ब्रदर्स की पहली हॉरर फिल्म थी दो गज जमीन के नीचे, जिसने हॉरर फिल्मों के मायने बदल कर रख दिए। यहीं से भूतिया फिल्मों का दौर शुरू हुआ। यह फिल्म आज भी काफी डराती है। इसके बाद रामसे ब्रदर्स ने कई सारी हॉरर फिल्में बनाई जो कि एक खास दर्शक वर्ग को एंटरटेन करती रही। मंगलसूत्र। 1981 में आई मंगलसूत्र फिल्म में रेखा और अनंत नाग की प्रमुख भूमिका थी। इस फिल्म को पहली भूतिया फिल्म कह सकते हैं। प्रेमा नारायण का भूत अनंत नाग में प्रवेश करने के बाद के सीन काफी खौफनाक बने हैं। रात। 1992 में राम गोपाल वर्मा डायरेक्टेड फिल्म रात एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है। इस फिल्म में रेवती का बेहतरीन अभिनय देखने को मिलता है, खासकर तब जब उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है। रेवती के साथ रोहिणी हट्टंगड़ी और आकाश खुराना भी थे। राज। 2002 में आई बिपाशा बासु और डीनो मोरिया की फिल्म राज ने काफी प्रभावित किया। इस फिल्म में कोई स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल नहीं किए गए थे। कहते हैं कि यह फिल्म मिशेल फेफर की व्हाट लाइज बीनीथ से प्रभावित थी। भूत। 2003 में राम गोपाल वर्मा ने अजय देवगन उर्मिला मातोंडकर के साथ फिल्म बनाई भूत, जो मल्टीप्लेक्स क्लास के लोगों को भी पसंद आई। ये फिल्म काफी खौफनाक है। वास्तुशास्त्र। 2004 में आई वास्तुशास्त्र में सुष्मिता सेन के साथ सत्या फेम जेडी चक्रवर्ती थे। ये फिल्म एक हॉन्टेड बंगले में भूतिया वास पर बनी थी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स काफी खतरनाक था। हॉरर स्टोरी। 2013 में आई हॉरर स्टोरी की कहानी काफी डरावनी थी। इस फिल्म को आप अकेले रात को तो कतई नहीं देख पाएंगे।